नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र वर्मा और आज आपके सामने मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोग कंपनी में काम कर रहे होंगे, है ना? कैसा लग रहा है आप लोगों को काम करके? बढ़िया लग रहा है ना? पैसे कमा रहे हो, अच्छा लग रहा है सबको, है ना? वेरी गुड। तो देखो, अभी आप कंपनी में काम कर रहे हो तो काम करने के साथ साथ में आप लोगों को जो है वो बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा, कंपनी में काम करना कैसे है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कार्य करने से पहले कार्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना? अगर आप कार्य के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप लोगों को कार्य करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी और जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर आपसे गलती होने के जो चांस है वो ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जब भी हम लोग कंपनी में कार्य करते हैं, जो भी आपके सुपरवाइज़र ने आप लोगों को कार्य करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले कार्य के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और कभी भी आपके जो सुपरवाइज़र्स हैं, आपको जो काम आपको दिया जाता है उसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप अपने कार्य के अंदर लापरवाही करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। कंपनी के अंदर जो भी सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो भी आपको काम करने के लिए आपको जो भी सेफ्टी का इक्विपमेंट आपको यूज़ करना होता है, वो आप लोग जो है वो यूज़ करके उसको काम को करना है, ठीक है? सेफ्टी के इक्विपमेंट्स के बारे में सब लोग जानते हो? सेफ्टी के उपकरण कौन कौन से होते हैं? जब भी आप काम करते हो, कार्य करने से पहले आप लोगों को ये भी मालूम कर लेना चाहिए कि हमें इस कार्य से खतरा कहाँ पर हो सकता है। समझ में आया ना? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी अंग हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित रखना है, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपके जो कार्यक्षेत्र हैं उसके अंदर जो भी सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स ज़रूरी हों, चाहे आपका हेलमेट होता है ना, आँखों के लिए चश्मा होता है, हैंड ग्लव्स होता है ना, कान में लगाने के लिए ईयर प्लग होता है, ज़्यादा शोर और होता है ना वहाँ पे, जगह जहाँ पर ज़्यादा शोर होगा वहाँ पर क्या किसका यूज़ करेंगे? ईयर प्लग का यूज़ करते हैं। मास्क सबको लगा के रखना है, कंपनी में काम करते हैं, मशीनों में से धुआं निकलता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, है ना? तो मास्क लगा के काम करें आप लोग, ठीक है? और कई बार अगर आप लोगों को कंपनी में कई बार ये होता है ना कि जहाँ पर भारी कार्य हो रहा होता है वहाँ पर जो है वो सेफ्टी के जो जूते होते हैं, सेफ्टी शूज़, उनका इस्तेमाल हम लोगों को जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बिना सेफ्टी के इक्विपमेंट के हम लोग अगर काम करेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उससे हमारे जो अंग हैं शरीर के उनको जो है वो नुकसान हो सकता है, ठीक है? दूसरा, सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल और रखना है, जब भी आप अपने कार्यस्थल पे जाओ तो काम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। सब लोगों को पढ़ना आता है ना? आराम से पढ़ लेते हो? हाँ, तो काम के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप किसी मशीन पे कार्य कर रहे हो, कोई पार्ट बना रही है, कोई पैकिंग कर रही है ना, तो उस मशीन के बारे में पहले जानो कि ये मशीन कौन सी है और ये कैसे काम करेगी, और इस मशीन पे जब हम लोग काम करेंगे तो कहाँ खतरा पैदा हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? दूसरी बात और बताता हूँ आप लोगों को, कभी भी लापरवाही नहीं करनी है। और कभी भी क्या करते हैं कि हम लोग कई बार ऐसे होता है ना जहाँ पर हम लोगों को इक्विपमेंट पहनना होता है, मान लो चश्मा लगा के काम करना है, तो आप लोगों को 100% चश्मा लगा के ही काम करना है। अगर चश्मा नहीं लगाओगे तो कोई लोहे का कण, कोई मिट्टी का कण अगर आपकी आँख में गिर गया तो उससे क्या होगा कि आपकी आँख को नुकसान पहुँच सकता है, ज़िंदगी जो है वो हमारी अंधेरे में जा सकती है, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। और भी जहाँ पर आपको सबसे पहले क्या चीज़ करना है कि कभी भी कंपनी के अंदर जहाँ पर आपको लग रहा हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता या फिर ये काम मेरे को नहीं आता है, तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको वो काम करना ही करना है। आपको क्या करना है कि अगर आपको मान लो काम नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने सुपरवाइज़र से उस काम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको सुपरवाइजर सुबह आपसे मिलते होंगे ना, मिलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आपको कहाँ पे काम करना है या फिर आपको कौन सा पार्ट पे, कौन सी मशीन पे काम करना है, तो क्या सब लोग मशीन के बारे में जानते हो? सब लोग हाँ, तो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है मशीनों के बारे में, ठीक है ना? बाकी काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी नॉलेज को। देखो, आज आप मान लो 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप ये दिमाग लगाइए कि आपकी सैलरी कैसे बढ़े, ठीक है ना? क्योंकि आप सभी लोग नौजवान लोग हो, तो आप लोगों को क्या है कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ से भी आपको कोई भी ट्रेनिंग मिले, जहाँ से भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, आप लोग ज़रूर सीखेगा, ठीक है?
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि मेरा YouTube के ऊपर एक चैनल है, सर ने भी आप लोगों को बताया होगा। तो चैनल का नाम है CNC गुरु महेंद्र वर्मा। तो वहाँ पर जो है वो CNC मशीन की ट्रेनिंग के बारे में जो है वो नॉलेज मिलती है, फ्री के अंदर नॉलेज मिलती है। चैनल से आप वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो ताकि आप लोग भी जो है वो आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो दी गई जानकारी से आप लोग आशा करता हूँ संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड, थैंक यू।